सर्वप्रथम तो आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त वरिष्ठ नेताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिनकी एक कर्मचारी की आज जो पेमेंट मिलती थी 500 और वो आज मिल रही है 50,000, लेकिन किसान की 500 से सिर्फ 1500 बढ़ाई गई है, तो किसान के बारे में ये कब सोचेंगे? जब सारे किसान अपनी किसानी छोड़ देंगे तब सोचेंगे उनके बारे में, उनके आय बढ़ाने के बारे में, या कि जब सारे किसान एक एक करके आत्महत्या कर लेंगे तब ये केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट सोचेंगे, या किसानों के बारे में सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं? मैं आपके इस शो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिस तरह से अभी हमारे भाई साहब लोग बताए गौ जी गौ के बारे में किसानों का दोष दे रहे थे, मानते हैं किसानों का दोष है, लेकिन जिस गौ के नाम पर आप वोट लेते हो उस समय आप क्यों अपनी नेतागिरी नहीं भूल जाते हो कि गौ का नाम नहीं लेना चाहिए? उस समय आप किसानों के कर्ज माफी के नाम पर वोट लेते हो, आपकी सरकार बनती है, कर्ज माफी आप भूल जाते हो, आप उनका आय दोगुनी करने का आप प्रयास घोषणा करते हो, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हो तो आप भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ किसान को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है? सारे कर्मचारी एक साथ कलमबंद हड़ताल कर देते हैं तो उनकी जो तनख्वाह है वो दोगुनी से चार गुनी हो जाती है, और किसान जब अपनी मजदूरी मांगता है तो उसको सिर्फ लाठियां मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये किस संविधान में लिखा है कि किसान को सिर्फ लाठी और गोली खाने का अधिकार है, न कि अपना हक मांगने का? जी सर, और अगर कुछ आप कहना चाहे, अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहे इस मंच के माध्यम से, तो मैं किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप भी जानते हो। जी सर, जी सर, वो तो किसान आज बेहद वास्तविकता में, लोग कहते हैं, पेपर में देखता हूं कि आत्महत्या होती है, आज किसानों के ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया है, बड़े बड़े उद्योगपति कर्ज लेके भाग जाते हैं, उनको जेल नहीं जाना पड़ता है, और यहाँ 2500-1500-15,000 रुपए लेने वाले किसान को जेल भेज दिया जाता है। मैं इस शो के माध्यम से समस्त किसानों से अपील करता हूं कि जिस तरह से एक अधिकारी कर्मचारी कलमबंद हड़ताल करते हैं तो सिर्फ 2 महीने के लिए आप अपने अनाज को स्टॉक कर दीजिए, अगर 2 महीने में पूरी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चरमरा गई और ये किसानों के जो है शरण में नहीं आए, किसानों के सुनने नहीं लगे, तो निश्चित तौर पर मैं किसानों से यही अपील करूंगा कि आगे आ करके अपना हक लेने की कोशिश करें। और यहाँ मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि आज इतना बड़ा शो है और न बीजेपी के नेता इस शो में है न कांग्रेस के, क्योंकि आज मेरा भी मूड था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कुछ सवाल होते, लेकिन अब सवाल करने का कोई चांस नहीं है, हमारे प्रतिनिधि हैं।